कि आप सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं और टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सभी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनी होती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरे में मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर डिवीज़न होता है। जैसे मैं लिखता हूँ एक सिंपल फार्मूला एरिया, तो एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन वो भी तो लेंथ ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ। और ये लेंथ क्या है? बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये हम बोलेंगे कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई हुए हैं तो एरिया बना हुआ है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर? तो इसमें भी बोलेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और ये मल्टीप्लाई होकर के एक क्वांटिटी बनी है जिसको हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है? मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इसमें हम बोलेंगे कि एक बार मास है और उसमें फिर एल क्यू से मल्टीप्लाई हुआ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हुआ है, तब जाके ये क्वांटिटी बनी है। तो इसका मीनिंग ये, कोई भी जब हम फिजिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो वो बेसिक क्वांटिटी से ही बनी होती है। तो किसी भी क्वांटिटी को, डिराइव्ड क्वांटिटी को या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशन कहलाता है। तो डायमेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, द बेसिक क्वांटिटी, द बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आर डायमेंशन, आर डायमेंशन ऑफ गिवेन फिजिकल क्वांटिटी, गिवेन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकता है, या फिर इसको हम बोलेंगे मास इंटू वन अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? तो उसमें कोई डाउट नहीं। अभी हमने ये डिफाइन कर लिया, द बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल्स आर द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसको थोड़ा और क्लियर समझते हैं। लिखा है हमने एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब इसमें दो बार लेंथ है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास कितना डायमेंशन है? टू डायमेंशन ऑफ लेंथ, टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। टू डायमेंशन ऑफ लेंथ का मीनिंग है कि इसमें दो बार लेंथ है और वो मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? इसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन ऑफ मास एंड माइनस थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि ये अपान में है। क्लियर? तो ये होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। उसके बाद पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला मीन्स इन राइटिंग डायमेंशन, तो डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं? क्वांटिटी को ही लिखते हैं, बेसिक क्वांटिटी को, विथ इट्स साइन, इट्स साइन एंड मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो आप फिजिकल क्वांटिटी का साइन लिखेंगे। सपोज ये एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर? अच्छा, तो इसमें ये एरिया हो गया, इसका फार्मूला हो गया। बेसिक क्वांटिटी कौन सी है? तो बेसिक क्वांटिटी लेंथ है, तो इसका हम साइन लिखेंगे। ओके, और कितनी बार मल्टीप्लाई है? टू टाइम्स है, तो हम एल इंटू एल या फिर एल टू द पावर टू रख के ऐसे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये जो बना ये है डायमेंशनल फार्मूला। अब इस डायमेंशनल फार्मूले से हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट क्या होगी? लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो ये एक हो गई क्वांटिटी, क्वांटिटी ये हो गया फार्मूला,
फार्मूला, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला और ये हो गई यूनिट। तो कोई भी फिजिकल यूनिट होगी उसमें हमको ये चार चीज़ें लिखनी होती है। इसके आगे जितने भी आप फार्मूले पढ़ेंगे सब में आपको ये इन्फॉर्मेशन देना होता है। कोई क्वांटिटी दी हुई है उसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हम कैसे बनाते हैं? फिजिक्स के प्रिंसिपल से बनाते हैं। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो ये एक प्रिंसिपल हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। उससे हमको फार्मूला मिलता है एक्स अपॉन टी, इससे हम डायमेंशन लिखेंगे, ओके फार्मूला, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला, और उसके बाद फिर हम इसकी यूनिट लिखेंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ और उसके लिए ये चार चीज़ें हम नोट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला, ओके डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट। क्वांटिटी इज एरिया, एरिया का फार्मूला, लेंथ इंटू लेंथ, डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब, ये क्या हो गया मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपान वॉल्यूम, इसका डायमेंशन जब लिखेंगे तो एम को मास का साइन लिखेंगे कैपिटल लेटर में, वॉल्यूम अपान में है तो इसके अपान में हम क्या लिखेंगे एल टू द पावर 3, और इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा एल टू द पावर -3। इसकी यूनिट क्या होगी? तो एम मास को कैसे मेज़र करते हैं, किलोग्राम, एल मीटर, तो ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, ओके। दूसरा लिखते हैं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस मीन्स लेंथ एल, और ये टी को क्या लिखेंगे अपान में है तो -1, एल टी -1। इसके लिए ये फार्मूला क्या होगा एल मीटर टाइम सेकेंड, क्लियर। अच्छा स्पीड के बाद अगर हम आते हैं एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सेम डिस्प्लेसमेंट, अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा एल टी -1, और ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन क्या होता है वी बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, तो वी का डायमेंशन ऑलरेडी लिखा हुआ है एल टी -1, और अपान में टी है तो ये क्या हो जाएगा -2। इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद फोर्स पे आते हैं, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी -2, एल टी -2, इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम एम इंटू भी, इसके लिए एम और भी के लिए एल टी -1, तो एम एल टी -1, इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका डायमेंशन, उसका फार्मूला और उसका यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ क्या होता है, यूज़ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यूज़ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, फर्स्ट ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल फोर्स लिखा हुआ है और फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं एम एल टी -2,
तो इसमें हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मास है, लेंथ है और टाइम है। तो फर्स्ट हम क्या समझते हैं, इन्वॉल्वेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी, कि उसमें कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी है। ओके, सेकेंड, विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड विच क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम डायमेंशनल फार्मूला को देख करके समझ सकते हैं। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, एम है, एल है, मास है और लेंथ है। टाइम कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपान में। तो इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इस पे जो पावर है पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव पावर होगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, ये विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव। इसमें हम देख करके बता पाएंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मीनिंग, अगर मैं मास डबल कर देता हूँ तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल करना पड़ेगा। इसको मैं डबल करता हूँ तो फोर्स भी डबल करना पड़ेगा। इसको जब मैं डबल करता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये फोर्स क्या होगा, टू टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है, टू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका पावर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और वो हमें कैसे पता चलता है, डायमेंशनल फार्मूले से पता चलता है। ओके,